संथाल परगना महाविद्यालय दुमका नगर परिषद दुमका के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रीना नीलिमा लकरा की अध्यक्षता में किया गया। मौके पर प्राचार्य ने कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 केवल रैंकिंग में भाग ही नहीं बल्कि दुमका जिला के लिए स्वच्छ रखने की अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। समाज के अन्य लोगों से अपील कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेकर रैंकिंग के लिए सहयोग करे। कार्यक्रम का मंच संचालन करते प्रोफेसर जोशनाबाद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। नगर परिषद दुमका के सिटी मैनेजर नजीबुल्लाह अंसारी, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जतिन कुमार ने कहा, 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण में दुमका को अच्छा रैंकिंग के लिए लगातार युवाओं के बीच वोटिंग कराकर जनता से सहयोग की मांग की। मौके पर प्रोफेसर मैरी मार्गरेट टुडू, प्रोफेसर प्रीति किरण हंसदा, ब्रांड एम्बेसडर शशि प्रभास सोरेन, डॉक्टर वाह सीविता, प्रोफेसर ज्योत्सनाबा, डॉक्टर नर्मदा गौरव, प्रोफेसर जुगनू सिंह, दीपक राय संथाल परगना के सैकड़ों छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्वच्छ हो जाए हम, क्योंकि केवल ये सरकार का काम नहीं है, हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम सभी इस अपने कर्तव्य काम को, जो स्वच्छता हमारे दुमका शहर को स्वच्छ करने का जो भी बीड़ा उठाया गया है, उसको फलीभूत होने दिया जाए। और हम सभी जब तक एक एक जन इसमें भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये जो रैंकिंग है, चाहे हमें पहला स्थान भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन हम आंतरिक रूप से पीछे ही रहेंगे। इसलिए जैसा कि नगर परिषद से आए हमारे सिटी मैनेजर साहब ने जो बताया कि हम चार तरह से अब इस रैंकिंग में हम शामिल हो सकते हैं और अपने दुमका शहर को हम प्रथम स्थान में ला सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस ऐप के द्वारा हम आसपास की जितनी भी गंदगी है हमारे आसपास, हम उसके बारे में नगर परिषद को जानकारी देकर और उसे साफ करवा दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।